नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश से इकलौती बेटी के हाथ पीले करने की हसरत लिए अपने गांव हरिहरपुर आए ज्ञान निषाद की पुराने विवाद की रंजिश पे फावड़े से प्रहार कर की गई हत्या। दो नामजद अभियुक्तों को बाजवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सहित दो अभियुक्त फरार। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी किया बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। उर्वा के ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश चंद्र को DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर किया निलंबित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। हट्टी माई मंदिर के पास राइज अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़ी एक कार में लगी आग। बिल्डिंग के अंदर फंसे सभी लोगों को किया गया रेस्क्यू। बुझा दिया गया आग। कार के अलावा नहीं हुई अन्य किसी प्रकार की हानि। मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने दी जानकारी। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की मासिक समीक्षा बैठक। किसानों को विभाग की योजनाओं को लाभ दिलवाने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। SP सिटी सोनम कुमार को SP संत कबीर नगर बनाए जाने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। DIG जे रविंद्र गौड़ व SSP डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य अधिकारियों ने उपहार देकर पदभार ग्रहण करने के लिए दी शुभकामना की उनके उज्जवल भविष्य की कामना। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को एक निजी मॉल में मॉक ड्रिल कर अग्निशमन विभाग ने दिया प्रशिक्षण। मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने कहा, छोटी सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा, ना करें किसी प्रकार की लापरवाही। लगातार दूसरी बार गुणवत्ता सिद्ध करते हुए गोरखनाथ ब्लड बैंक ने बनाया कीर्तिमान। सरकार द्वारा प्रमाणित ब्लड बैंक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम BEQAS ने प्रदान किया 100% अंक। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल सहित समूचे उत्तर प्रदेश के लिए है गौरव का विषय। और 15 अप्रैल को सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में ईसाई समुदाय द्वारा मनाया गया गुड फ्राइडे। की गई विशेष प्रार्थना, यीशु मसीह के तीसरे दिन पुनः जीवित होने पर मनाया जाएगा ईस्टर संडे का पर्व। अब खबरें विस्तार से। अपनी बेटी की शादी के लिए ज्ञान निषाद ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन बदनसीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। ज्ञान के करीबी ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं ली बल्कि भरोसे का भी कत्ल कर दिया। ज्ञान अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी के हाथ पीले करने की उसकी हसरत भी अधूरी रह गई। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञान की इकलौती बेटी अंकुरा की शादी 25 मई को होनी है। पिता बेटी की शादी के लिए ही हिमाचल प्रदेश से गाँव आए थे, पर किसे पता था कि जिसकी मदद की वही उनकी जिंदगी उजाड़ देगा। वह जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जिसके इंतजार में थे उसे ही नहीं देख पाए। घर वाले दहाड़े मार कर रो रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जिस बेटी की शादी के लिए परिवार से दूर हिमाचल प्रदेश में जाकर ज्ञान निषाद ने जिंदगी बिताई, जिसके लिए इतनी तैयारियां की थी, वही नहीं देख पाए। उधर बेटी भी पिता की मौत के बाद से बदहवास है। बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में पुराने विवाद की रंजिश में ज्ञान निषाद 48 वर्ष की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गई। बुधवार देर रात फावड़े के हमले में घायल ज्ञान की बृहस्पतिवार तड़के मौत हो गई। आरोपी घर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मृतक के बेटे जोगेंद्र की तहरीर पर आकाश निषाद, राहुल निषाद, भीम निषाद और उसकी पत्नी गुजरात देवी पर घर में घुसकर मारपीट और हत्या की धारा में केस दर्ज किया है। मौके से पुलिस ने भीम और उसकी पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फरार मुख्य आरोपी सहित दो की तलाश में पुलिस टीम लगी है।
उधर गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक हरिहरपुर केवटान टोला निवासी आकाश निषाद व ज्ञान निषाद हिमाचल प्रदेश में रहकर कमाते थे। एक प्राइवेट कंपनी में काम करते और किराए पर कमरा लेकर साथ रहते थे। इसी बीच ज्ञान ने हिमाचल प्रदेश में मकान ले लिया। इसी मकान में आकाश का भाई रहने लगा। आरोप है कि किराए को लेकर आकाश और ज्ञान के बीच विवाद हो गया। ज्ञान ने अपना मकान खाली करा दिया, इससे विवाद और बढ़ गया। एक सप्ताह पहले ही ज्ञान गोरखपुर आ गया था, इसकी सूचना पर आकाश भी आ गया। आरोप है कि बुधवार देर रात इसी रंजिश में एक बार फिर दोनों में कहासुनी हो गई। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि आकाश ने फावड़े से ज्ञान निषाद के पैर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका पैर कट गया। परिजन तत्काल उसे एम्बुलेंस से लेकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, फिर वहां से जिला अस्पताल गए। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बृहस्पतिवार सुबह करीब 3 बजे ज्ञान निषाद की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ज्ञान के शरीर से रक्तस्राव ज्यादा हो गया था। ज्ञान निषाद 2 लड़के और 1 लड़की के पिता थे। अमरेश 21 और जोगिंदर 19 घर पर ही रहते हैं। बेटी अंकुरा निषाद की शादी तय है। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मकान खाली कराने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसकी पहचान आकाश निषाद पुत्र भीम निषाद निवासी ग्राम हरिहर टोला केवटान थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा भीम निषाद का पुत्र बाल आपचारी है के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बासगांव थाना प्रभारी विवेक मलिक, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार तिवारी, सुनील कुमार, कांस्टेबल मोहित सिंह, मोहम्मद सद्दाम, चंदन खरवार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, अभी 2 दिन पहले थाना बास गांव में एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे, 2 अभियुक्त शेष थे, जिनकी आज बास गांव पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 1 अभियुक्त नाबालिग है, जो जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत होगा। दूसरा अभियुक्त बालिग है, रेगुलर कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। इस घटना के 4 अभियुक्त अब माननीय न्यायालय के आदेश से साक्ष्यों के पीछे होंगे। शेष साक्ष्य संकलन पूरा करके अतिशीघ्र इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया जाएगा। विवाद बता रहे हैं कि ये अभियुक्त और वादी दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। हिमाचल में एक जगह ही ये लोग काम करते थे। मृतक का कोई मकान था, जिसमें अभियुक्त पक्ष का भाई किराए पर रहता था। किन्हीं कारणों से इन्होंने उससे वो मकान अपना वहाँ हिमाचल प्रदेश में खाली करा लिया। जब ये मृतक हिमाचल से गांव आया, तो उसके भाई ने अपने घर वालों को बताया फ़ोन करके कि इन्होंने हमसे यहाँ मकान खाली करा लिया है और अब गांव की तरफ गए हैं। उसी बात को लेकर के ये लोग उनके यहाँ गए और पूछताछी में ही कुल्हाड़ी से इस तरह से वार कर दिया, जिससे कि उनकी हत्या हो गई, जिसके आधार पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब कर ली गई।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने उरवा के ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश चंद को कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ब्लॉकों के ग्राम पंचायत के अधिकारियों की समीक्षा की जा रही है तथा जो लक्ष्य दिया गया है उसके प्रगति की समीक्षा की जा रही है, जिसके लिए अलग अलग बिंदुओं पर विशेष रूप से अधिकारियों से बात की जा रही है, जिसको देखते हुए उरवा बढ़लगंज गोला ब्लॉक की समीक्षा की गई थी, जिसमें कर्मचारियों द्वारा कार्यों में लापरवाही पाई गई, जिसको देखते हुए उरवा की ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश चंद को निलंबित कर दिया गया। इस तरह उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उनको बढ़ावा मिलेगा और जो अधिकारी कार्यों में लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हमारे द्वारा ब्लॉकों में सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारियों तक की समीक्षा की जा रही है। लक्ष्य के सापेक्ष जो प्रगति है उसकी समीक्षा ली जा रही है और विभिन्न मापदंडों पे उनको परखा भी जा रहा है और गहराई में समीक्षा हो रही है। उसी सिलसिले में जो तीन ब्लॉकों का उरवा बदलगंज और गोला का जो समीक्षा की गई थी उसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा शिथिलता प्रदर्शित हुई और उसमें एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया और एक टीए की सेवा समाप्ति की गई है। इस तरह उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी। जो अच्छा काम करेंगे उनको बढ़ावा मिलेगा और जिनके जो शिथिलता प्रदर्शित करेंगे, अनियमितता करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घोष कंपनी चौराहा स्थित हट्टी माई मंदिर के पास राइज अपार्टमेंट के पार्किंग में एक कार में आग लग गई, जिससे आग के कारण पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया। काफी लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि घोष कंपनी हट्टी माई मंदिर के पास एक कार में आग लग गई है। तब मौके पर दो गाड़ियां लेकर मैं खुद पहुंचा। आग के कारण पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया था और एक ही सीढ़ी होने से धुआं भर जाने से सीढ़ी अवरुद्ध हो गया था, जिससे काफी लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे। कार पार्किंग स्थल पर लोहे के पिंजरे में दो कुत्ते भी फंसे हुए थे। मेरे सहयोगी कर्मियों ने बीए सेट पहनकर बिल्डिंग के अंदर जाकर सभी लोगों का रेस्क्यू करते हुए ऊपर छत पर पहुंचाया तथा आग को पूरे भवन में फैलने से रोकते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। उन्होंने बताया कि गाड़ी के अलावा किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, दरवाजा थोड़ा बंद करना पड़ेगा। हटो पीछे, हट जाओ सब लोग। बढ़ेगा अभी, हट जाओ पीछे। Yeah,
हाँ, कल एक घोष कम चौराहे के पास में हाटी माई मंदिर के पास में सूचना मिली थी कि एक कार में आग लगी है और हम लोग पहुँचे मौके पे। वहाँ पे दो गाड़ी लेकर मैं स्वयं पहुँचा तो एक 6 मंजिला मकान था, कार पार्किंग थी, कार में आग लग जाने के कारण जो कार खड़ी थी वो जीने के पास था और एक ही जीना था। पूरे भवन में बिल्डिंग में जो है धुआं भर गया था और लोग उसमें फंसे हुए थे क्योंकि जीना धुएं और आग से अवरुद्ध हो गया था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं स्वयं और एक अपने सहयोगी के साथ निर्भय के साथ ब्रीदिंग ऑपरेटर्स दो लोग पहन के अंदर हम लोग अंदर घुस गए और जितने लोग उसमें फंसे थे सभी को सुरक्षित छत पर हम लोग ले गए बाहर सुरक्षित जहाँ खुली हवा में उनको, और जहाँ पे कार पार्किंग थी उसी के ऊपर दो छत्ती में एक पिजड़ा टाइप का लोहे का बड़ा बना हुआ था उसी के ऊपर घेर के दो छत्ती के ऊपर उसमें दो कुत्ते बंधे हुए थे जिनको हम लोगों ने लोहे को उसको काट करके और एक कुत्ता जो बड़ा वाला लैब्राडोर था उसको छत के ले गए क्योंकि तो जो जेल के पास आग और धुआं था, और जो छोटा वाला था उसको हम लोगों ने गोदी में उठाकर बाहर ले आए। इसलिए दो बेजुबान जानवरों को भी सुरक्षित बचाया गया और उसमें फंसे लोगों को भी सुरक्षित बचाया गया। काफ़ी लोग घबरा गए थे, आसपास आग फैलने की संभावना थी, हम लोगों ने उसको फैलने से रोक दिया गया। पहुँचने के बाद आग को एकदम सीमित रखा गया जिससे किसी प्रकार का कोई जनहान नहीं हुई और नुकसान भी केवल कार के अलावा पूरे भवन को सुरक्षित बचा लिया गया। आग लगने के कारण जो हम लोगों ने जानकारी किया उनके द्वारा बताया गया कि अभी थोड़ी देर पहले हम कार ड्राइव करके लाए थे और कार पार्किंग किया और मैं ऊपर गया, थोड़ी देर बाद उसमें आग लग गई तो संभवतः जो है कि उसका स्विच पूरी तरीके से अभी ऑन रही होगी और हीट की वजह से और शॉर्ट सर्किट गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से आग उसमें लगने की संभावना है। नुकसान कार के अलावा बाकी पूरे भवन को सुरक्षित बचा लिया गया, कार के अलावा बाकी नहीं, कार का ही नुकसान हुआ है सिर्फ वही, बाकी सारे आसपास के भवन और जिसमें कार पार्किंग थी पूरे भवन को सुरक्षित बचा लिया गया, उसमें फंसे लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जो महत्वपूर्ण कृषि विभाग की योजनाएं हैं जिसके संचालन में गति लाने के लिए और उसमें लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों को लाभ मिले, शासन के निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओं पर काम हो, जिसको देखते हुए यह बैठक की गई है जिससे कि किसानों को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कुछ स्पिल ओवर है, स्पिल ओवर पैसा है किसी भी विभाग में? आप सबका तो ट्रेजरी से होता है, कोई अलग खाता किसी अकाउंट में है, डेयरी में, पशुपालन में, किसी में? हमारे यहाँ बकरी वाले में आता है। ठीक है, तो इस साल की योजना बनाने में क्या प्रगति है? मैंने मांगा था योजना बना के मुझे अलग से मिलेंगे, कोई नहीं मिला। कृषि सिंचाई योजना में क्या भेज रहे हैं, ये सब तो हमें चाहिए ना। तो वही ट्रेडिशनल तुम टिश्यू कल्चर वही ले रहे हो, कहाँ टिश्यू कल्चर करोगे तुम? बताओ, एक नर्सरी नहीं बना पाया हो एक साल से, मैं बोल रहा हूँ उसको देखा है, उसी के अनुसार हमारा बनना चाहिए। क्या है 100 दिन में सर पहले तो एक इंक्यूबेशन सेंटर से यहाँ पे इंक्यूबेशन चलाया जाएगा, हर जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगा सर, गोरखपुर के लिए आया है, मिल जाएगी। और उसका टिश्यू कल्चर होगा, टिश्यू कल्चर नहीं सर, इसमें इनोवेशन होगा, स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें ट्रेनिंग देंगे। ये पोस्ट हार्वेस्ट वाले पोस्ट हार्वेस्ट जो कृषि सेक्टर में 100 दिन की कार्य योजना बनी है उसमें हॉर्टिकल्चर में क्या क्या निर्देश मिले हैं, कुछ लिखित में लिए हैं सभी विमल करिए अलग से, और इस साल की जो आपकी योजना है उसको उसी में समाहित कर दीजिए, और मुझे एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए। आज अप्रैल 15 है, मुझे अप्रैल 20 तारीख के भीतर फुल प्रूफ प्लान चाहिए, उसमें क्या क्या टास्क हैं, क्या लक्ष्य हैं, समय सारणी क्या है, वित्त पोषण क्या है, और इसको क्रियान्वयन करने की प्रोग्राम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, ये सब चीज़ें क्या क्या बताया मैंने अभी, प्लांट प्रोटेक्शन से, सीवीओ, पशुपालन विभाग से, डेयरी से,
वो भी संरक्षण से। और कोई मासिक बैठक कृषि से संबंधित विभागों की है और जो विभागीय योजनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण कृषि से जुड़े हुए सेक्टर की योजनाएं हैं जिसको संचालन में गति लाने के लिए और उसमें लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों को लाभ मिले, शासन के मंशानुरूप उनके विभिन्न पहलुओं पर काम हो, इसीलिए हम लोग ये बैठक करते हैं। और अच्छे माहौल में बैठक होती है, दीर्घकालीन रणनीति भी बनती है और जो भी अंतर्विभागीय समन्वय है वो भी सुनिश्चित होता है। किसानों को एक्सटेंशन का काम लाभ मिले, यंत्रीकरण का लाभ मिले, विविधीकरण का लाभ मिले और किसान विभिन्न योजनाओं में आच्छादन में कोई कमी न रह गए, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है। एसपीसीटी सोनम कुमार को जनपद गोरखपुर से एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर शुक्रवार को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडस सहित जिले के सभी अधिकारी व पुलिस कर्मियों ने एसपीसीटी सोनम कुमार को गोरखपुर में अपना अतुलनीय योगदान दिए जाने के उपलक्ष्य में बधाई व उपहार देकर पदभार ग्रहण करने के लिए शुभकामना और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि एसपी सिटी सोनम कुमार को एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर विदाई कार्यक्रम किया गया। उनको नए पदभार ग्रहण करने के लिए सभी अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, सीओ कैन श्याम देवबिंद, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ रत्नेश कुमार सिंह, प्रशिक्षु सीओ प्रशाली गंगवार, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, रास्ता लग गया से राहुल इंस्पेक्टर डीएजी सर, एसएसपी सर, एसपी का ऑफिसर्स और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मैं श्री सोनम सिंह एसपी सिटी गोरखपुर जो अब एसपी संत कबीर नगर के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे के फेयरवेल पे आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है। सर ने लखनऊ, गोरखपुर जैसे चुनौतीपूर्ण जिलों में निष्ठा से व अनुकरणीय कार्य किया। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कार्य करते हुए सर ने PDMS ऐप, स्विफ्ट ऐप, ई एक्शंस ऐप, बैरियर चेकिंग ऐप जैसी ऐप्स को डेवलप किया है। उनके पद पर शासन द्वारा नियुक्ति की गई दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को जनपद में आगमन किया। पुलिस अधीक्षक लाइन के पद पर नियुक्त होकर नगर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर रहते हुए नगर क्षेत्र में घटित घटनाओं, लूट, डकैती, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को सफल अनावरण किया। अभ्यस्त अपराधियों का गुंडा, गैंगस्टर, एचएस एवं जिला बदर एवं संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही कराई गई। वीआईपी सेल के नोडल रहते हुए महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य के जनपद गोरखपुर के आगमन एवं भ्रमण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया। कानून व्यवस्था, बीट पुलिसिंग एवं डीटीआईपी ड्यूटी के सुदृढ़ क्रियान्वयन हेतु डीडीएमएस बैरियर चेकिंग एवं स्विफ्ट ऐप बनाकर जनपद गोरखपुर में क्रियान्वयन कराया। वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 को निष्पक्ष एवं सकुशल संपादित कराया। गैर जनपद से आने वाले सुरक्षा बल के ड्यूटी स्थल पर आसानी से पहुंचने हेतु ई बुलेट बनाए। धन्यवाद। पिछले 6.5 महीने से सर को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानना समझा, उनके काम कार्य करने के तरीकों को समझा। सर से जो एक बहुत बड़ी सीख मिली
कि पुलिसिंग में बहुत कूल रहते हुए बिना गुस्सा किए हुए भी कार्य कराया जा सकता है। ऊपर से चाहे जितना कार्य करने का या घटनाओं को वर्कआउट करने का अधिकारियों का दबाव रहा हो सर के ऊपर, लेकिन हम लोगों से बड़े कूल तरीके से सर ने काम कराया, कभी गुस्सा नहीं किया और काम सब लगभग लगभग होते गए। घटनाएं भी एक दो छोड़ के वर्कआउट सारी होती गई और अपराधी भी सब जेल जा रहे हैं शहर क्षेत्र से। श्रीमान एसपी नाइन सर, एसपी सर को प्रदान करें। जी आज हमारे एसपी सिटी सोनम कुमार जी जो अब एसपी संत कबीर नगर के पद पर नियुक्त हुए हैं, उनकी आज विदाई कार्यक्रम हमने पुलिस लाइन में रखा है और उनको शुभकामनाओं सहित अपने नए पदभार को ग्रहण करने के लिए हमने शुभकामनाएं दी हैं और रवाना किया है। उम्मीद है अच्छा कार्य करेंगे और उनका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश से इकलौती बेटी के हाथ पीले करने की हसरत लिए अपने गांव हरिहरपुर आए ज्ञान निषाद की पुराने विवाद की रंजिश पे फावड़े से प्रहार कर की गई हत्या। दो नामजद अभियुक्तों को बाजवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सहित दो अभियुक्त फरार। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। उर्वा के ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश चंद्र को डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर किया निलंबित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। हट्टी माई मंदिर के पास राइज अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़ी एक कार में लगी आग। बिल्डिंग के अंदर फंसे सभी लोगों को किया गया रेस्क्यू। बुझा दिया गया आग। कार के अलावा नहीं हुई अन्य किसी प्रकार की हानि। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने दी जानकारी। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की मासिक समीक्षा बैठक। किसानों को विभाग की योजनाओं को लाभ दिलवाने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी सिटी सोनम कुमार को एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य अधिकारियों ने उपहार देकर पदभार ग्रहण करने के लिए दी शुभकामना की उनके उज्जवल भविष्य की कामना।
अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को एक निजी मॉल में मॉक ड्रिल कर अग्निशमन विभाग ने दिया प्रशिक्षण। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, छोटी सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा, ना करें किसी प्रकार की लापरवाही। लगातार दूसरी बार गुणवत्ता सिद्ध करते हुए गोरखनाथ ब्लड बैंक ने बनाया कीर्तिमान। सरकार द्वारा प्रमाणित ब्लड बैंक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम BEQAS ने प्रदान किया 100% अंक। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल सहित समूचे उत्तर प्रदेश के लिए है गौरव का विषय। और 15 अप्रैल को सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में ईसाई समुदाय द्वारा मनाया गया गुड फ्राइडे। की गई विशेष प्रार्थना, यीशु मसीह के तीसरे दिन पुनः जीवित होने पर मनाया जाएगा ईस्टर संडे का पर्व। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। दो की ड्राई क्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को मोहद्दीपुर स्थित अग्निशमन विभाग के द्वारा एक निजी मॉल में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल कर प्रशिक्षण दिया गया। मॉल में लगे स्प्रिंकलर स्मोक डिटेक्टर को चेक किया गया, जो स्वचलित मोड में पाए गए, तथा मॉल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर आग से बचने के उपाय बताया गया। जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कई टीमों को गठित करके प्रदेश स्तर पर मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉल के सारे सिस्टम चेक किए गए। चेकिंग के दौरान जितने पंप हाउस को भी चेक किया गया, सभी संचालित मोड पर हैं और सारे सिस्टम ठीक ठाक पाया गया।
मॉल के कर्मचारियों को फायर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और पंपलेट वितरण करके प्रचार प्रसार किया गया कि आग से किसी प्रकार की लापरवाही कोई ना करे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रोड पर सिगरेट बीड़ी तथा जलते हुए कागज ना फेंके, एक छोटी सी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। इस अवसर पर फायर फाइटर आशीष नंदन सिंह, आनंद किशोर, अभिषेक सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, राघवेंद्र शाही तथा संजीव श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने कहा, आप लोगों को हम लोग कंप्लेन रहे सर।
ये मॉक ड्रिल हम लोग वर्ष भर करते रहते हैं और प्रत्येक माह और सप्ताह में बृहद मेन संस्थानों में होता रहता है। आज हम लोग का जो अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसमें कई टीमें गठित करके बृहद स्तर पर मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। शहर में आज कई जगहों पर मॉक ड्रिल चल रहा है। मैं स्वयं यहाँ पर ओरियन मॉल में आया हूँ अपनी टीम के साथ में, तो मैंने यहाँ पे पहले तो इनके सारे सिस्टम को चेक किया, सारे सिस्टम इनके सही पाए गए और जितने पंप हाउस में इसमें आप खड़े हैं हमारे साथ, सारे पंप इनके सही हैं, सबको मैंने चलवा के देखा और सब स्वचालित मोड पे हैं, ऑटो मोड पे हैं। इनके स्मोक डिटेक्टर को हम लोगों ने धुआं से उसको अगरबत्ती सुलगा के देखा, वो भी सही वर्क कर रहे थे, हूटर बजने लगे। और आग जला के इनका स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोग लगाए तो जो स्प्रिंकलर के बल्ब है टूट गए और स्प्रे निकलने लगा और पंप ऑटो स्टार्ट हो गया। तो ये सारे सिस्टम को चेक किया गया, सब सही पाए गए और यहाँ पे माल में जितने लोग आए हुए थे उन लोगों को इकट्ठा करके फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और उनको पंपलेट वितरण किया गया और ये प्रचार प्रसार किया गया, उनको जागरूक किया गया और किसी प्रकार की लापरवाही न हो, क्योंकि लापरवाही से आग लगती है और आग शुरुआती दौर में ही उसको कंट्रोल किया जाए। शुरुआती दौर में किसी भी आग के लिए एक गिलास पानी बहुत है, लेकिन विलम्ब हो जाने के बाद एक दो टैंकर कम है, ज़्यादा विलम्ब होने पर तो और जरूरत पड़ती है, इसलिए इस पर बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए और शोर मचाते हुए जिससे आपके मदद के लिए और लोग इकट्ठा हो जाएं, इस तरीके से इनको एक अभियान चला के जन जागरूक किया जा रहा है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना को कम किया जा सके। हाँ, जिसको इस समय धूपें हैं, इस समय आगों की संख्या बढ़ जाती है। हमारे 4 फायर स्टेशन अस्थायी रूप से ज़िले में पहले से थे, उसके अलावा हमने सभी तहसीलों के अलावा बढ़हलगंज में इस प्रकार कुल 6 जगह हमने जो अस्थायी रूप में फायर सर्विस की गाड़ियां लगा रखी हैं एकदम नज़दीक में, और जिससे सूचनाएँ मिल भी रही हैं और नज़दीक होने के कारण त्वरित कार्रवाई की जा रही है और उसका लाभ भी जनमानस को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस साल हर साल की अपेक्षा प्रचार प्रसार से आगे भी कम लग रही हैं और काफ़ी राहत भी है। और हम लोग ये अभियान चलाते रहेंगे और अपने पूरे जो संसाधन है इनको हम लोगों ने इसमें फैला रखा है सब तहसील स्तरों पे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि नज़दीक पे हम लोग गाड़ियाँ उपलब्ध रहें और समय पे पहुँच सकें और जनमानस के को इसका लाभ मिल सके। यही हम लोग अपील करेंगे कि थोड़ा सा इसमें कोई भी आग कहीं ना कहीं से लापरवाही से लगती है, चाहे खेतों की आग हो वहाँ पे धूमपान से, या लोग बिजली के तार के नीचे अपना जो अनाज का स्टोर करते हैं, या गर्म राख को जो बिना पूछे हुए बाहर फेंक देते हैं, चलते राह में भी बीड़ी सिगरेट फेंकना, इस तरीके से लापरवाही, या घरों में जो होता है वहाँ भी लापरवाही होता है, कभी कभी एक प्लग में कई कनेक्शन कर देते हैं, गैस की पाइपलाइन को छोड़ देते हैं, इस तरह से कोई भी आग कहीं ना कहीं से ज़रूर लापरवाही होती है, तभी लगती है। तो उस पर थोड़ा सा सजग रहें, जागरूक रहें और लापरवाही ना करें, आग न लगने पाए, और लगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने स्तर से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और फायर सर्विस को स्पष्ट सूचना दें आसपास के कोई भवन बिल्डिंग के बारे में, सही लोकेशन बताएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी पहुंच के आपकी मदद कर सकें, इसलिए सबको जागरूक किया जा रहा है। नाथ पंथ एवं गोरक्षपीठ द्वारा संचालित गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के अंतर्गत वर्ष 2005 में स्थापित हुए गोरखनाथ ब्लड बैंक अपने स्थापना काल से ही नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। अपनी कार्यप्रणाली एवं उच्च गुणवत्ता के कारण रक्तदान विभाग में चर्चा का विषय है। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने बताया कि ब्लड बैंक के विनियामक संस्थाओं जैसे औषधि विभाग, रक्त संचरण परिषद तथा नाको आदि भी अब इसे स्वीकार करने लगे हैं। इस ख्याति का कारण ब्लड बैंक का प्रदर्शन एवं उसका रिपोर्ट कार्ड है। वर्ष 2005 से 31 मार्च 2022 तक कुल 3,73,954 यूनिट रक्त की आपूर्ति हुई है। यहां अब तक कुल 2,67,100 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। वहीं वर्ष 2008 से 31 मार्च 2022 तक कुल प्लेटलेट्स 1,03,487 है। यहां पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय उपकरण है। वहीं यह ब्लड बैंक भविष्य में राष्ट्रीय हीमोफीलिया संगठन के माध्यम से रोगियों को सुविधा उपलब्ध कराएगा। थैलेसीमिया इकाई की स्थापना तथा अंग प्रत्यारोपण से संबंधित टिश्यू मैचिंग आदि को इन्हें शीघ्र करने का प्रयास करेगा। ब्लड बैंक के भार को देखते हुए तथा इसकी गुणवत्ता को परखने पूरे देश में राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद के द्वारा यह कार्य कुछ स्थानों पर कराया जा रहा है। उत्तर भारत में एक संप्रेषण प्रयोगशाला जो जयपुर में स्थित है उससे ब्लड बैंक को संबद्ध किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एक्रीडेशन जयपुर तथा BEQAS
यह संस्था सरकार द्वारा प्रमाणित है, यह सभी मानकों को पूरी करती है तथा ब्लड बैंक उन सभी जांचों को पुनः करके वही नमूना वापस भेज देती है। उसके पश्चात BEQAS दोनों प्रशिक्षण परिणामों का मिलान करते हैं तथा ब्लड बैंक के द्वारा किए गए प्रशिक्षण उनके अनुकूल हैं, इसका अंकों के आधार पर गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। यह कार्य वर्ष में 3 बार किया जाता है। हाल ही में संपन्न हुए इस परीक्षा का परिणाम 12 अप्रैल 2022 को प्राप्त हुआ है। यह गोरखपुर, पूर्वांचल और पूरे प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है कि गोरखनाथ ब्लड बैंक 520 में से 520 अंक यानी 100% अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल किया है। यह उपलब्धि 13 दिसंबर 2021 को भी प्राप्त हुई थी। इस तरह ब्लड बैंक लगातार दूसरी बार अपनी गुणवत्ता का एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में ईसाई समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया गया एवं क्रूज यात्रा निकालकर विशेष प्रार्थना की गई, जिसके संबंध में सेंट जोसेफ स्कूल के फादर बेनी ने बताया कि गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व है। ईसाई धर्म के लोग इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगवान यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे थे, इसी कारण ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। इसी दिन को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इसी दिन ईसाई धर्म के लोग यीशु मसीह के क्रूस को याद करते हैं। गुड फ्राइडे के अवसर पर लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु की याद में कई लोग उपवास भी करते हैं। उन्होंने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद 3rd दिन यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे। इसी की खुशी में ईस्टर संडे मनाने की परंपरा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ स्कूल के फादर बेनी ने कहा, महान कितना महान यीशु मसीह का, इतना महान पापी ने खातिर जगत में आया, तब आया भूल न जाए हम ये बलिदान। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु हमारे मुक्ति दादा और आदर्श, हम आज आपके चरणों पर विनम्र होकर खड़े हैं। हम आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करना चाहते हैं ताकि आपके कष्टों तथा संकटों की चाप हमारे मन पर पड़े और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण भी करें। हम बड़े कृपा करें कि आंसुओं और राहों की इन राहों से गुजरते समय हमारे हृदयों में पाप के प्रति घृणा और पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो। क्षमा याचना। हे परम दयालु ईश्वर, हम हृदय से दुखी है कि हमने तेरी असीम भलाई के विरुद्ध पाप किया है। तू हमारे संपूर्ण प्रेम के योग्य है क्योंकि तू हमें संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है। केवल पाप तेरे प्रेम के पकड़वा दिया। भीड़ उन्हें कैफस, बाद में अन्नस, लातुस भी यहूदियों की धमकियों से डरकर प्रभु यीशु को उनके हवाले कर देता है। प्रभु यीशु को दंड मिला, हे प्रभु मुझे मार दे कि मैं तुझ न हो जाऊं बल्कि तुझको सदा प्यार करता रहूं। हे प्रभु हम मर गया। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है।
हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। पिलातुस से राजा प्रणाम, बैंगन पर थूकते थे, उन्हें थप्पड़ मारते थे और उनके हाथ से सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस तरह यीशु का उपहास करने के बाद उन दुष्ट सैनिकों ने उनके कंधे पर लकड़ी का एक अत्यंत भारी क्रूस लाद दिया और उनको उस पर चढ़ाने के लिए कोड़े मारते, धकेलते तथा घसीटते हुए कलवारी की ओर ले चले। अन्याय, अत्याचार व कष्ट सहना पड़ा। अपने जीवन में मुझे जो कष्ट व दुख सहने पड़ेंगे उन्हें मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं दीनता पूर्वक तुझसे विनती करता हूँ कि उस दुख के पुण्य फल Christ and we bless you. Because by your Holy Cross you have redeemed the world. And in the scourging, carrying the cross in these circumstances, it has been far too difficult. He struggles forward, stumbles and falls. Along life's journey, we too have our faults, and we ask the Lord to see us through. Let us pray. Lord, we are weak, but you are strong. We are fickle, but you are steadfast. We are so confused, but you are wisdom itself. Grant us the grace to be always faithful in following you every day of our life. चौथा स्थान, प्रभु यीशु और उनकी माँ की भेंट। लागत रही होगी वह बेटे की यह दशा देखकर माता के हृदय पर क्या बीती होगी। दर्द की तलवार माता के दिल में चुभ गई होगी और प्रेम मूर्ति बेटे के हृदय में अपनी माँ की पीड़ा देखकर कैसी करुणा जाग गई होगी। हम प्रार्थना करें, हे अति मधुर यीशु, आपने उस बड़े दुख के द्वारा जिसे तुझको इस क्रूस यात्रा के दौरान अपनी माँ से मुलाकात कर उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरे माँ के प्रति सच्ची भक्ति भर दे और तू समस्त जगत की माता जो दुष्काल में डूबी थी मुझे ये कृपा दिला कि मैं सदा तेरे पुत्र यीशु के पुण्य दुखों की याद कर आने वाले महासंकट तथा दुर्भाग्य से बच जाओ। हे प्रभु हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं। इसलिए बने सिरीन निवासी सीमोन नामक एक व्यक्ति को जो खेत से घर लौट रहा था बलपूर्वक पकड़कर यीशु का क्रूस ढोने का उनके दुर्व्यवहार और दूसरी ओर से भीड़ की उपहास पूर्ण ध्वनियां तथा दोपहर की चिलचिला अमीर हो या गरीब, धर्मी हो या पापी, वह सबको समान दृष्टि से देखते और ध्यान करते थे। वह सबकी भलाई चाहते थे। इसलिए कलवारी की रात पर जब यरूशलेम की स्त्रियों ने यीशु को नहीं उठान देखा, उन्हें संदेह हमारे दुखों को दूर करने, हमारे आंसुओं को पोछने का, अपने आंखों की पुरस्कार में लेने को सदा तैयार है। पर सुनते यह पाप का और शाप का प्रतीक भी था। रोमी साम्राज्य काल में केवल अपशब्द व्यक्ति को ही
क्रूस पर दोषी ठहराया गया, उनको क्रूस पर मौत की सजा सुनाई गई और किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया, किसी ने उनके बचाव के लिए संसार का उद्धार किया है। लगभग 3 घंटों तक यीशु अपने हाथ पसारे क्रूस पर लटके रहे। उनके पावन शरीर की ऐसी दशा देखकर किसी को उन पर दया नहीं आई। उनके शत्रु तथा विरोधी उनकी निंदा करते और सिर हिलाते हुए कहते थे, आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, और ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे, इसलिए वहां मां पहुंचा। वे लोग लाठी मशाले और हथियार लिए थे। उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। वहां उनका विश्वास था थी। यूदास भी बढ़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे तुम मुझे ढूंढते हो, तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनके यह कथन पूरा हो चुके कर लो, जो प्यारा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलचन कप्तान और यहूदियों फादर बेनी पल्ली पुरोहित सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल गोरखपुर। आज गुड फ्राइडे या पुण्य शुक्रवार हम कहते हैं। आज के दिन हम लोग प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, जो 2000 साल पहले मानव जाति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, एक उदात्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मानव जाति के प्रेम के प्रति उनकी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस में मृत्यु के हवाले कर दिए। और हम लोग 2 दिन बाद इनके पुनरुत्थान के पर्व मनाएंगे, जहां पर हम लोग विश्वास करते हैं वो प्रभु क्रूस पर मृत्यु के बाद दफनाए गए और 3रे दिन मृतकों में से जी उठे, और आज भी वो जीवित है। और आज के इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग उनके जो क्रूस रास्ते पे जो भी घटनाएं हुई है उन सबों उन्हें 14 भागों में बांटा गया है। उन 14 भागों में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और चर्च में आकर विशेष पवित्र बाइबल से पाठ पढ़कर उस पर मनन चिंतन करते हैं। और उसके बाद जितने भी लोग चर्च में उपस्थित रहते हैं, सभी लोग जिस क्रूस पर प्रभु यीशु का मृत्यु हुई थी उस क्रूस की उपासना करते हैं। उसके साथ आज के ये पूजन विधि समाप्त होता है और हम लोग उनके पुनरुत्थान पर्व के लिए इंतजार करते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश से इकलौती बेटी के हाथ पीले करने की हसरत लिए अपने गांव हरिहरपुर आए ज्ञान निषाद की पुराने विवाद की रंजिश पे फावड़े से प्रहार कर की गई हत्या। 2 नामजद अभियुक्तों को बाजवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सहित 2 अभियुक्त फरार। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी किया बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। उर्वा के ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश चंद को DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर किया निलंबित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। हट्टी
हाथी माई मंदिर के पास राइज अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़ी एक कार में लगी आग, बिल्डिंग के अंदर फंसे सभी लोगों को किया गया रेस्क्यू, बुझा दिया गया आग। कार के अलावा नहीं हुई अन्य किसी प्रकार की हानि। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने दी जानकारी। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की मासिक समीक्षा बैठक। किसानों को विभाग की योजनाओं को लाभ दिलवाने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी सिटी सोनम कुमार को एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य अधिकारियों ने उपहार देकर पदभार ग्रहण करने के लिए दी शुभकामना की उनके उज्जवल भविष्य की कामना। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को एक निजी मॉल में मॉक ड्रिल कर अग्निशमन विभाग ने दिया प्रशिक्षण। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने कहा, छोटी सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा, ना करें किसी प्रकार की लापरवाही। लगातार दूसरी बार गुणवत्ता सिद्ध करते हुए गोरखनाथ ब्लड बैंक ने बनाया कीर्तिमान। सरकार द्वारा प्रमाणित ब्लड बैंक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम BEQAS ने प्रदान किया 100% अंक। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल सहित समूचे उत्तर प्रदेश के लिए है गौरव का विषय। और 15 अप्रैल को सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में ईसाई समुदाय द्वारा मनाया गया गुड फ्राइडे की गई विशेष प्रार्थना। यीशु मसीह के तीसरे दिन पुनः जीवित होने पर मनाया जाएगा ईस्टर संडे का पर्व। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।